आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का हुआ शुभारंभ। इसके साथ ही मां विंध्यवासिनी धाम के साथ ही साथ जिले के विभिन्न मंदिरों में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने रविवार को की सफाई। जी हाँ, दरअसल अयोध्या में जश्न के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा महाउत्सव कार्यक्रम आज से आरंभ हो गया, जहां पे आज मां विंध्यवासिनी मां काली एवं मां अष्टभुजा धाम में सफाई अभियान जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के नेतृत्व में शुरू किया गया। आज से जनपद के विभिन्न मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य के संदेश को भी लोगों तक पहुंचाना है। इसी के साथ में सफाई हम सब का सामूहिक कर्तव्य है, हम सबको मिलकर अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखना चाहिए। धाम में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सफाई किया, विभिन्न मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया और साथ ही साथ जो 9 दिनों तक चलाया जाएगा। और इसी के साथ आप सभी को बताते चले, ये थी मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की खास रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा पर्व के कार्यक्रमों की आज शुरुआत हो चुकी है। इसी के अंतर्गत आज 14 जनवरी को माँ विंध्यवासिनी के धाम माँ काली को और माँ अष्टभुजा के धाम में सफाई अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न मंदिरों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के उस उद्देश्य को प्रतिपादित करना है कि सफाई जो है वो हम सब का सामूहिक कर्तव्य है और हम सबको मिलकर अपने आसपास परिवेश को स्वच्छ रखना चाहिए। और इसी के क्रम में आज सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मेरे द्वारा स्वयं माँ विंध्यवासिनी धाम के परिसर में सफाई की गई है और सभी अधिकारी विभिन्न मंदिरों पर स्वच्छता अभियान चलाए। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।